छत पर सब्जियों की फार्मिंग करने वाले अधिकतर लोगों की यह शिकायत होती है कि हमारे सब्जी के पौधे पर एक दो बार फल आकर के फिर फल आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी शिकायत बिल्कुल लाजमी है। आपके पौधे के गमले की जो मिट्टी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिसके कारण से फल आना बंद हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए मैं आज आप लोगों के लिए 4 खाद लेकर के आया हूँ। आप उस खाद से भली भांति परिचित हैं, लेकिन आपको उसको किस स्टेज में देना है, कब देना है, कितना देना है, कैसे प्रोवाइड करना है, इन बातों को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, ये 4 खाद जो मैंने बात की थी वो ये रखी हुई हैं। इन्हीं खादों को मैं अपने पौधों पर प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, ये मेरे लॉन्ग बीन्स यानी कि बोड़ों के पौधे लगे हुए हैं और इसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं। दोस्तों, कितने बड़े फल आ रहे हैं, कितने मोटे साइज में आ रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, मैं जो है इसी खाद का प्रयोग अपने इस पपीते के ऊपर किया है। देखिए, पपीते में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कितना बढ़िया इसमें ग्रोथ है दोस्तों, और जो है इसमें फल भी लग रहे हैं। इसी तरीके से मैंने इस खाद का प्रयोग अपने इस लौकी के पौधे पर भी किया है। देखिए, इसके अंदर कितने अच्छे अच्छे फल जो है स्टार्ट हो गए हैं। यानी ये देखिए, ये है, ये है, ये है, उधर लगे हुए हैं दोस्तों, उधर काफी फल लग रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है मित्रों, ये पौधा हमारा जो है सरपुतिया का है। देखिए, इसमें भी लग रहा है काफी फल, और मैंने इस पे कम से कम 2-3 बार हार्वेस्टिंग कर रखा है। इसी तरीके से मैंने कोहणा भी लगा रखा है, कोहणे पे भी देखिए वो फल आ रहा है उसमें। ये फल कितना बड़ा मैच्योर हो गया है, यह तोड़ने लायक हो गया है। अब मैं इसकी हार्वेस्टिंग भी कुछ दिन में, एक आध दिन में कर लूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों, मैं अपने इस छत के ऊपर जितने भी मेरे सब्जी के पौधे हैं, फ्रूट के पौधे हैं, उनमें इसी खाद का प्रयोग करता हूं। तो दोस्तों, आइए अब हम इन खादों की डिटेल्स जानते हैं। ये हमारी पहली खाद है दोस्तों, बर्मी कंपोस्ट। ये हर जगह अवेलेबल है अर्बन गार्डनिंग के लिए। दोस्तों, यह हर जगह मिल जाएगी, हर नर्सरी पे मिल जाएगी, हर बीज वाले दुकान पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस खाद में जो है 1% नाइट्रोजन है, 0.5% फॉस्फोरस है और 1% ही इसमें पोटेशियम है। तो दोस्तों, यह तीनों पोषक तत्व पौधे के ग्रोथ के लिए, इसके जड़ों के विकास के लिए और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए आवश्यक हैं, जो इसके अंदर उपस्थित हैं। दूसरी खाद जो है हमारी दोस्तों, ये है सरसों खली खाद। इस खाद में 5% नाइट्रोजन है, 2% इसमें फास्फोरस है तथा 2% इसमें पोटेशियम है। ये भी बहुत पावरफुल खाद है दोस्तों। तीसरी खाद हमारी ये है नीम खली की खाद, यह पाउडर फार्म में है। ये भी इसके अंदर दोस्तों 5% नाइट्रोजन है और 1% इसके अंदर जो है फास्फोरस है और 1.5% लगभग पोटेशियम है। और इस खाद में यह गुण है कि यह फंगीसाइड का भी काम करती है और जो कीड़े मकोड़े जड़ के अंदर लगते हैं उनको भी हटाती है, उनको भी भगाती है, पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है। चौथी खाद है मित्रों हमारी ये जाइम, जो आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी। वैसे इसका नाम है बायोएंजाइम, लेकिन जाइम कहेंगे तो आपको यह उपलब्ध हो जाएगी। ये ग्रेनुअल फार्म में है। इसके अंदर नाइट्रोजन 2.5% है, फास्फोरस 8 से 10% है, इसके अंदर पोटेशियम 4.5 से 5% के लगभग है। ये भी बहुत शक्तिशाली खाद है दोस्तों। ऑनलाइन में एक जो है प्रोम करके खाद आ रही है, वो भी इसी से मिलती जुलती है। वो ऑनलाइन ही मिलेगी, यहाँ लोकल मार्केट में नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, उसको भी आप इसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम इसका अपने पौधों पर उपयोग कैसे करते हैं, उनकी स्टेज को जान लेते हैं। दोस्तों, जब आप अपने बीज को लगाना चाहते हैं गमले के अंदर, या कोई सीडलिंग तैयार कर रखी है आप उसे अपने गमले के अंदर लगाना चाहते हैं, तब आप मिट्टी बनाएंगे और मिट्टी का जो मिक्सचर होगा उनमें इन 3 खादों को हम मिलाएंगे। ये हमारा जो है बर्मी कंपोस्ट है, ये नीम खली पाउडर है और दोस्तों ये हमारा जो है जाइम है। इन तीनों को हम मिलाएंगे। तो उसके लिए आपको लेना है 40% गार्डन सॉइल, 10% आपको जो है सैंड लेना है, कोर सैंड होना चाहिए,
और साथ में दोस्तों आपको 40% ही आपको ये जो बर्मी कंपोस्ट है इसे मिलाना है 40%, और फिर जो बचता है 10% में आपको दोस्तों 5% ये नीम खली का पाउडर मिलाना है और 5% इस जाइम को मिला देना है। और इसको मिलाने के बाद जब आप इस मिक्सचर को पूरा मिला लेंगे, अपने गमले में भर लेंगे, तो चाहे आप उसमें बीज लगा दें या फिर आप चाहे उसमें आपके पास कोई सीडलिंग तैयार है तो उस पौधे को रिपोर्ट कर दें, फिर उसको रिपोर्ट करके पानी दे देंगे। पानी देने के देते देते जब आपको 20 दिन हो जाए तो 20 दिन बाद फिर हम दोस्तों अपने इस सरसों कली खाद का अपने पौधों पर प्रयोग करेंगे। तो इस सरसों खली खाद को बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक के बर्तन में या फिर मिट्टी के बर्तन में 1 लीटर पानी ले लेना है। 1 लीटर पानी में आपको इसका 100 ग्राम तौल करके, बिल्कुल 100 ग्राम आप उस पानी में डाल देंगे और ढक करके 4 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रख देंगे। 4 दिन के बाद वो खाद बन करके तैयार हो जाएगी, फर्मेंटेशन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। गर्मी के दिनों में आपको 4 दिन रखना है, अगर जाड़े का दिन है तो आपको लगभग 7 दिन रखना पड़ेगा, तभी यह फर्मेंटेशन की क्रिया पूर्ण कर पाएगी खाद। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करना है। और जब इस तरीके से आपका ये खाद, देखिए मैंने 1 लीटर पानी में ये 100 ग्राम मिला रखा है और इस तरीके से ये बन गई है। तो दोस्तों जब ऐसी आपकी खाद बन जाए तब आप इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने का रेशियो है दोस्तों 1:20 का, यानी 1 भाग आपका ये खाद होगा और 20 भाग पानी होगा। इसको जब आप डाइल्यूट कर लेंगे तो आप अपने गमलों के हिसाब से इसको अपने पौधों में प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका पौधा छोटा है, गमला 8 इंची के आसपास है, तो आप इसमें 50 ml डालेंगे। अगर गमला 12 इंच का है तो आप इसमें 100 ml डालेंगे। अगर गमला आपका जो है वह 18 इंच का है तो आप 150 ml डालेंगे, और गमला 24 इंच का है तो आप उसमें जो है 200 ml तक डाल सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, और यह खाद आपको हर 15 दिन के बाद प्रोवाइड करनी है। तो दोस्तों इस खाद को मैंने जैसे आपको अपने पौधे में देने के लिए बताया है, अगर आप उस नियम को फॉलो करेंगे, उसकी क्वांटिटी को, उसके समय को, तो आपके पौधे में फिर अन्य किसी खाद को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये 4 खाद ही छत के ऊपर सब्जी की फार्मिंग करने के लिए बहुत ही सफिशियंट है। इन्हीं खादों का मैं अपने पौधों पर इस्तेमाल करता हूं, आप भी इस्तेमाल करिए, रिजल्ट आप देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर सूचित करिए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो दोस्तों जो मैंने यह जानकारी दी, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।